मेरा नाम मनोज है और 7 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था जब मेरे हेयर लॉस वगैरह काफ़ी हो रहे थे और बाल बाल कम थे, फोटो वोटो खिंचाने में भी प्रॉब्लम होती थी काफ़ी मुझे। वीडियो देखी, 1 साल रिसर्च किया, उसके बाद देखा कि डिवाइन कॉस्मेटिक में कुछ क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी सर ने इसको आंसर दे दिया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे आया, उनसे बात करी, अपॉइंटमेंट फिक्स की। उसके बाद में उन्होंने मेरे को प्राइस वगैरह बताया, पहले थोड़ा ज़्यादा लगा लेकिन बाद में करवाना तो था ही, एक अच्छा रिजल्ट लेना ज़रूरी था। सस्ते के चक्कर में रहता तो शायद इतना आउटपुट नहीं आता, फ्रंट लाइन वगैरह बिल्कुल नहीं थी जो अभी मतलब दिख रही है मेरे यहाँ पे आपको। फ़ोटो वोटो खिंचाने में भी दिक्कत लगती थी मुझे काफ़ी, लेकिन अभी काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। अभी जो मेरी फ्रंट लाइन है वो प्रॉपर है, अब सेटिस्फाई हूँ। अभी मैं आया हूँ PRP वगैरह लेने के लिए, जो उनकी एक सर्विस होती है ऑपरेशन के बाद में, ताकि जो बाकी बाल बचे हैं वो ना झड़ें बिल्कुल भी, तो उसके लिए मैं आया हूँ। और PRP वगैरह हेयर ट्रांसप्लांट जब मैं करा रहा था तो मैंने काफ़ी सर्च किया, एक दो डॉक्टर के पास भी गया, इनके पास भी आया, इनका प्राइस भी देखा, थोड़ा हाई लगा मेरे को, बाकी थोड़ा कम लगा। लेकिन एक सर्टिफिकेशन होती है जो वो नहीं मिल रही थी मेरे को, मुझे लगा चलो यार एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है तो देखते हैं। फिर यहाँ पे आया, बात करी, तो जो मेरे क्वेश्चन थे उनका आंसर मेरे को बहुत अच्छा उन्होंने दिया, तो मैं सेटिस्फाई हुआ। प्राइस थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको आउटपुट कैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे आके करवाना ज़रूरी है जो मुझे लगा, तो मैंने वो चीज़ की। तो आप भी देख सकते हैं, आप भी करा सकते हैं। डिवाइन कॉस्मेटिक अफोर्डेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है।